गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन शिवराव चेन ऑफ लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। और आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसमें इस्त्री कर रहे हैं जुगाड़ करके। ऑब्वियसली स्टैंड हमने नहीं लिया तो इसमें हमारा काम चल गया। और टीना ने पूरी शर्ट को देखिए, पूरी की पूरी सलवटे जो है उसकी चली गई। पानी जरूर खत्म हो गया लेकिन काम जरूर हो गया बढ़िया सा। आगे की थोड़ी सलवटे अभी तो फिलहाल तो हो गया है ठीक। थैंक यू। ले निकलते हैं ऑफिस के लिए। और आप देख सकते हैं मेरी शर्ट एकदम मस्त हो गई है। पहले सलवटे बहुत ज्यादा पड़ जाती थी। ये वाली साइड में जो दिख रहा है हैंड में, तो ये तो अब इतना तो हो ही जाता है, लेकिन सामने का वॉज मेन। रात को पार्टी से आने के टाइम पे 11:15 बज गए, फिर सोते सोते 12 बज गए और अभी हम फिर सुबह निकल गए। आज वॉक पे मॉर्निंग में गया नहीं, लेकिन अपने नॉर्मल रूटीन वाली एक्सरसाइज वो कर ली है। शाम को देखते हैं, अगर टाइम से आ गए तो शाम को वॉक करके सुबह का कोटा पूरा करेंगे। मौसम भी एकदम पूरा ह्यूमिड वाला हो रहा है। एकदम अंदर तो एकदम गर्मी लग रही है और बाहर थोड़ा सा हवा चल रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। बारिश का एकदम मौसम होके रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बादल वादल भी है, क्लाउडी, तो मुझे लग रहा है मानसून थोड़ा जल्दी आने के चांसेस है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराव चैन ऑफ लाइफ। एवरीथिंग फेज में हम आ गए हैं और अभी हम आ गए ऑफिस से घर। और फिलहाल हम देख रहे हैं टिन्नी बना रही है खाना और इतना ढेर सारा प्याज विद मसाला आज बन रहा है हमारा डिनर में राजमा चावल की तैयारी हो रही है। चलो, मुझे तो लग रही थोड़ी सी भूख सी, क्या खाऊं मैं? ओट्स खा लेता हूँ मैं। ओट्स पड़े? कौन से ओट्स? ओट्स दूध वाले? हाँ, दूध वाले खा लेता हूँ। सामने वाली बिल्डिंग में भी हमारे काफ़ी लोग आ गए। देखो कितनी सारी लाइटें अभी जलने लग गई। ऑलमोस्ट काफ़ी लोग हो गए, नीचे ऊपर नीचे। देखो सामने सभी जगह आ गए। एक दो काम भी चल रहा है। और आज हवा भी चल रही है, लगता है बारिश आएगी नहीं आएगी। बादल तो सुबह से हैं। आदि के बड़ा कहना मानता है पूरा। अभी देखते हैं कि हम लोग ये व्लॉग देख रहे हैं और इसमें बंदर वर्ड हम बोलेंगे, वेदर यहाँ पे रैम्बो में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। और अभी थोड़ी देर में मैं नाम लूंगा बंदर, बंदर। उसको भी पता चल, उसको भी पता चल गया अभी टीवी पे होता है। बंदर 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 नहीं, अभी उसको खेलना है भाई, अभी बंदर नहीं चाहिए उसको। ये देखिए बन गई हमारी राजमा बढ़िया वाली। टिन्नी दिखाओ जरा। ओ भाई साहब, ये मसाला तो मुझे लग रहा है टिन्नी तूने बहुत डाल दिया इसमें, बट मस्त लग रही है एकदम झकास। ये अपनी बनाएगा तुम खाना, फिर मुझे किसी को गाढ़ा चाहिए। क्या भाई, ऐसी क्या बात है भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराव चैन ऑफ लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ ऑफिस से निकलने के टाइम पे। हमने कहा चलो अभी फुर्सत मिली है तो अब जाके थोड़ा ब्लॉग करते हैं, देखते हैं क्या क्या कैप्चर होता है रास्ते भर में और शाम तक, लेट्स सी। फिलहाल तो मैं भी पेट्रोल डलाने वाला हूँ और हवा चेक कराने वाला हूँ गाड़ी की। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। ये सामने कांदिवली है, कांदिवली की चैलेंजर टावर्स है आई बिलीव। यहाँ पे पहले कभी हम शुरू में जब मैं बॉम्बे आया था तो यहाँ पे आके रुका था मैं। और ये है साई धाम, यहाँ पे साई बाबा का, शनि बाबा का, शक्ति धाम का जो टेंपल है वो सब यहाँ पे है। और महादेव मंदिर भी यहाँ पे ही आगे है हमारा, ये देख सकते हो आप साइड में। फ्यूल पंप ऑन द लेफ्ट साइड। सिग्नल से पहले ही जाम, पेट्रोल पंप के पहले ही जाम। सिग्नल है वैसे तो। और सामने देखिए ऊपर फ्लाईओवर। आज पेट्रोल पंप पे बड़ी भीड़ है, पता नहीं क्यों, सारी गाड़ियां एकदम खड़ी हैं पेट्रोल डलवाने के लिए।
चलवा लिया हमने पेट्रोल, अभी हवा ठीक करवा रहे हैं। अभी देखो इसको लो प्रेशर था, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। देखिए हो गया ओके। देखो सामने से मेट्रो भी आ रही है, अगर आपको दिख रहा है तो। आजकल टाटा पंच गाड़ियां ज्यादा दिख रही है मेरे को, ये आज दूसरा कलर मेरे को दिखाई दे रहा है क्योंकि छोटे भाई ने टाटा पंच ली है तो वही दिखाई दे रही बार बार। अच्छी है गाड़ी, स्मार्ट, छोटी, कॉम्पैक्ट एक्सयूवी। अभी दिल्ली जाएंगे तो ये उसको हम एक्सप्लोर करेंगे जब भी जाएंगे डेफिनेटली, एंड देन उसका एक अलग से वीडियो निकालेंगे। आज पता नहीं क्या है, पूरा ट्रैफिक आज एकदम मस्त मिला, एकदम खाली ट्रैफिक, मतलब कोई रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक मिला ही नहीं। फटाफट 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 आ गए। लगे अभी भी थोड़ा सा दूर है घर, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही पहुंच गया हूँ, बट फिर भी ट्रैफिक ज़्यादा कुछ मिला नहीं। क्या भाई दूसरे की गाड़ी को देख के हाई कर रहा है? हा? दूसरे की गाड़ी को देख के हाई कर रहा है? अरे कोई नहीं है गाड़ी में। चलिए गाइस पहुंच गए अभी हम घर पे। सुधीर मेरे साथ में है क्योंकि उसको फीस चाहिए थी, उसका एसपीएल का टूर्नामेंट आने वाला है। एसपीएल टूर्नामेंट में उसका एसपीएल वाला लास्ट टूर्नामेंट होगा, तो देखिए क्या करता है इस बार। पिछली बार तो 7 मैन ऑफ द मैच मिले थे, 5, इस बार कितने मिलेंगे क्या मिलेंगे पता नहीं, बट कवर करेंगे इसके पूरे मैच को हम। सर एसपीएल टूर्नामेंट हमारे यहाँ सोसाइटी का टूर्नामेंट होता है जिसमें बच्चे लोग खेलते हैं एक एज ग्रुप के। इसका सीएसके जर्सी है, वाह क्या बात। अभी कोच साहब को टूर्नामेंट की फीस देनी थी तो इसलिए मेरे को ये आया रास्ते में पैसे लेने के लिए। मैंने कहा चल पार्किंग पे चलते, तो अभी आया। अभी इसके बाद भाई साहब जाएंगे फुटबॉल खेलने। मेरा बॉल नहीं है। किसका है, किसी को देने जा रहा है? श्रीनिवास का। श्रीनिवास मौसम तो पूरा बारिश का हो रहा है, बट बारिश पता नहीं यहाँ हुई कि नहीं हुई, वेदर रिपोर्ट में तो दिखा रहा था यहाँ हुई थी बारिश नहीं हुई, बट आज यहाँ ट्रांसफार्मर या कुछ तो जल गया था इसकी वजह से 4 घंटे लाइट गायब। दिन में 4 घंटे लाइट, तेरे को नहीं पता? अरे वो पता, लेकिन क्या जला? ट्रांसफार्मर। और देख और देख, उल्टा कहाँ जाता है तू? यू टर्न क्यों लिया तूने है भाई? मैं ऐसे देख के यू टर्न मार लिया। हम्म, आते आते रहा। खींच खींच, टग ऑफ वॉर, खींच खींच खींच। आज हमारे डिनर में बन रहा है सोयाबीन की सब्जी। पूजा भी हो गई अब हमारी, अब बैठते हैं थोड़ी देर, कंटेंट वीडियो देखते हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या होता है। एक आध घंटा बचा हुआ है। आज आदि का मंगलवार का रहता है पूजा, तो साथ के साथ ढोकला भी आ गया। बताइए वो इस वजह से आया क्योंकि डिलीवरी के लिए 39 रुपीज़ का और सामान ऐड करना पड़ता है, तब जाके डिलीवरी फ्री होती, तो हमने फिर 50 रुपये का सामान ऐड करके 39 रुपीज़ का डिलीवरी बचाया। तो चलिए इसको करते हैं टेस्ट, खम्मम ढोकला। टेस्टी हो रहा है। आज रैम्बो का वैक्सीनेशन हुआ है। हैं, कहाँ का लगा भाई रैम्बो? कहाँ का लगा? एक इधर एक पीछे। हैं, एक साल के बाद वैक्सीनेशन दोबारा, वेरी गुड बॉय। चलो जाओ जाओ, कुछ तो हुआ होगा ठंडा। चलिए हम खाते हैं अपना एक, पर एक पीस दिया बहुत इतना छोटा पीस दिया, अभी मेरे को लग रहा है मार्केट से खुद लेके आना पड़ेगा। ऐसे तो ये दो तो सही नहीं निकला, वाटरमेलन थोड़ा बहुत ही निकला, इतना बड़े पीस में थोड़ा सा ही आया। कभी कभी ऑनलाइन में ये चीजें एकदम खराब भेज देते, तो सब्जी वब्जी कभी कभी जाना पड़ता है डायरेक्टली लेने के लिए। चलो आ गया तो खाना खाई,
ये बना है, देखिए थोड़ा सा निकला बस, चलो जैसे भी है खा लेते हैं। रैम्बो हैंडशेक, हेलो गुड नाइट। चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को फिलहाल करते हैं यहीं खत्म। बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैनल ऑफ लाइफ के साथ।